मुंब्रा के एमएमवली में जोरदार बाइक की टक्कर एक कार से हो गई है, जिसमें बाइक सवार दो लड़के गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा आज दोपहर के वक्त में हुआ है। घायल लड़कों का नाम मोहम्मद फजल शेख 17 वर्षीय और मोहम्मद कवि 17 वर्षीय बताया जा रहा है, जो मुंब्रा के कादर पैलेस के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि एमएमवली टीएमसी हॉस्पिटल के सामने ये जबरदस्त टक्कर हुई है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कार ड्राइवर ने जैसे ही कार को हॉस्पिटल के गेट के तरफ मोड़ा, तभी पीछे से आ रही बाइक कार से टकरा जाती है। कार भी क्षतिग्रस्त हुई है और घायल हालात में दोनों लड़कों को बिलाल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मोहम्मद फजल के चेहरे पर चोट लगी है और पैर में भी फ्रैक्चर होने की खबर सामने आई है। वहीं मोहम्मद कवि के चेहरे पर गंभीर जख्म हुए हैं। मोहम्मद कवि को मुंबई के जेजे अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि वहीं फजल को कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर मुंब्रा पुलिस भी पहुंच गई और बाइक और कार को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद से कार सवार फरार है, अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच मुंब्रा पुलिस कर रही है कि क्या वाकई में अचानक कार घुमाने के वक्त टक्कर हो गई या फिर ये हादसा और किसी वजह से हुआ है। बहरहाल घायल फजल और कवि को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।